हे वेलकम बैक, मैं हूं बिजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। एक काफ़ी अच्छा टूल है और इसका क्या क्या यूजेस होते हैं फोटोशॉप में, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पिक कर लीजिए इस पर क्लिक करके इस टूल को, और इसका शॉर्टकट है, आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट J से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज बार देखें इसका, तो प्रॉपर्टीज बार में हमें देखेगा एक ऑप्शन, यहाँ पे आप साइज मेंटेन कर सकते हैं, हार्डनेस मेंटेन कर सकते हैं, स्पेसिंग एंड एंगल राउंडनेस। तो ये क्या है, देखिए साइज और हार्डनेस, ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप किस इमेज पे क्या कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज को छोटा या बड़ा रख सकते हैं, हार्डनेस कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये जस्ट स्पेसिंग कि आप यहाँ से यहाँ जंप करना चाहते हैं तो ये होगा। तो स्पेसिंग के लिए मैं कहूँगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 25% है अभी, तो इसे आप इतना ही रखें, क्योंकि इसमें तो आप इसको ऐसे ही मैनेज करना चाहिए। और यहाँ पे फिर है एंगल एंड राउंडनेस, तो शायद इसकी भी आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे यूज करना चाहें तो इसकी राउंडनेस को कम कर सकते हैं, और फिर आप इसके एंगल को भी रोटेट कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से ये रोटेशन है, तो रोटेशन मुझे नहीं चाहिए और मैं राउंडनेस 100% रखूँगा और इसके एंगल को 0%, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, अगर क्विकली आप साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इसके शॉर्टकट है कि आप उस टूल पे होके, यानी कोई भी ब्रश टूल हो, ये सब में सेम काम करता है, तो अगर आप राइट ब्रैकेट की को दबाएंगे तो ये साइज बड़ा होगा, और अगर आप लेफ़्ट ब्रैकेट की को दबाएंगे तो ये साइज छोटा होगा। तो इससे आप इजीली अपने काम को फास्टली कर सकते हैं, क्योंकि आप कीबोर्ड से ही इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे इस पिंपल के अकॉर्डिंग इस ब्रश साइज को सेट करूँ, और अगर मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा। देखिए ये रिमूव कैसे हुआ है, क्योंकि फोटोशॉप का जो AI सिस्टम है वो आसपास के एरिया को रिकॉग्नाइज करता है और उसे लगता है कि हम इसे रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये जो सेट है कॉन्टेंट अवेयर पे है। कॉन्टेंट अवेयर चीज़ों को सही करने के बारे में होता है या चीज़ों को रिप्लेस करने के बारे में होता है। तो इसने अच्छी सी जगह देखी, अच्छा सा स्किन देखा कि यहाँ पे अच्छा स्किन है, तो वहाँ से स्किन को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ताकि हमारा जो पिंपल है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। तो हम कंट्रोल जेड से एक बार अंडू कर लेते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सैम्पल ऑल लेयर्स, इसे चेक रखिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप न्यू लेयर पे काम कर पाएंगे। न्यू लेयर पे काम करने का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर ये चेक नहीं है आपका, तो आप अगर न्यू लेयर पे हैं और आप क्लिक करें यहाँ पे, तो ये रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है उसको सैंपल नहीं मिल रहा है कि वो सैंपल कहाँ से ले, क्योंकि ये जो लेयर है हमारी, जो न्यू लेयर, वो तो ब्लैंक है, उसमें तो कोई पिक्सल है ही नहीं। तो इसलिए हम इसको चेक रखते हैं, और जितनी भी फिर लेयर्स यहाँ पे होंगी तो ये सैंपल फिर ऑल लेयर से लेगा, कि जितनी भी लेयर्स हो मुझे सैंपल चाहिए, कहीं से भी लाओ। तो हम इसे चेक रखते हैं ताकि हमें सैंपल मिल जाए, ठीक है। अब हम न्यू लेयर पे हैं और अब हम क्लिक करते हैं तो आसानी से ये रिमूव या रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसे चेक रखिए कि कॉन्टेंट अवेयर पे है, तभी आप इसे आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टेंट अवेयर पे हमारा सेट है और हम इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और जितना हमारा ब्ले मैसेज है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर क्लिक करते जाएंगे और वो ब्ले मैसेज रिमूव होते जाएंगे। देखिए हम इस लेयर को देखें जो कि न्यू लेयर है, तो आप देखेंगे कि उसमें ये चीज़ें कुछ इस तरह से काम कर रही हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें सैंपल में आ गई हैं जो भी इसने रिप्लेसमेंट किया है वो, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा फ़ोटो पहले से कितना अच्छा हो गया और कितना बेकार है। तो ये हमारा बिफोर था और ये हमारा आफ्टर है। हम चाहें तो इसे और मेंटेन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कंट्रोल है, हम किसी भी लेयर से इसे मेंटेन कर सकते हैं, इसका ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम इस पर कर सकते हैं। तो न्यू लेयर लेने के काफ़ी फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे और जब आप ऐसे काम कर रहे होंगे तो इसके आपको काफ़ी फ़ायदे देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुछ ब्ले मैसेज बना लेता हूँ ताकि आप इस ट्यूटोरियल को और अच्छे से समझ सको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्ले मैसेज बनाया और यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ब्ले मैसेज मैंने यहाँ पे बनाए इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में ब्ले मैसेज नहीं थे और मुझे कोई ऐसी फ़ोटो मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने किया। और अब मैं फिर से बैक टू स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे आ जाता हूँ, और फिर हम इस न्यू लेयर पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमने इतना कुछ क्लीन कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ब्लेमिशेस हैं, उनको कैसे रिमूव करना है। तो आप देखेंगे कि जो ब्लेमिशेस हैं वो थोड़े से डार्क हैं,
और अगर हमें यहाँ से रिमूव करना है तो हम अगर सिंगल क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये रिमूव हो जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो हेयर हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं। अगर हेयर रिमूव ना हो तो इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप इसका मोड जो है नॉर्मल से आप इसे लाइटन चलाओ। लाइटन से होगा ये कि आपके हेयर पे इफ़ेक्ट कम पड़ेगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, हेयर पे इफ़ेक्ट कम पड़ेगा और आपका ब्लेमेसिस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं क्लिक करूँ साइज को अकॉर्डिंग करके, देखिए जो हेयर हैं वो वहीं वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत मेजर चेंज आता है लेकिन इट्स ओके फॉर मी। एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अब क्या हो रहा है कि ये जो डार्कर एरिया है उसे रिमूव कर रहा है, और जो वाइटर एरिया है, जो भी ब्राइटर एरिया है, जैसे कि ब्राइट इसके हेयर हैं तो वहाँ पे उन पर कम असर आ रहा है, ठीक। इस तरीके से आप इनको रिमूव कर सकते हो, और भी अच्छे से करने के लिए ब्रश साइज को छोटा कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट दिस। और आप इस न्यू लेयर पे कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये बिफोर एंड द आफ्टर, ठीक है। अब हमारे पास एक और ये फोटोग्राफ है। अब आपका दिमाग चलने लगा है कि ये चीज़ों को रिमूव कर सकता है, क्या मैं टैटूज रिमूव कर सकता हूँ? हाँ, यू कैन रिमूव द टैटूज। अगर आप स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल को लेते हैं और इसका साइज बड़ा करते हैं अकॉर्डिंग योर कितनी चीज़ को मिटाना चाहते हो आप, जैसे कि ये टैटू इतना बड़ा है तो मेरे को ब्रश साइज इतना बड़ा करना पड़ रहा है, अगर आप मैं इतने बड़े ब्रश साइज को इसको डिलीट करूं या रिमूव करूं यहां से, तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा जैसे मैंने आपको बताया, आप भी यही करेंगे तो आप देखेंगे कि यार ये तो गुड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या एक चीज़ जो हमको परेशान कर रही है वो है इसका मोड नॉर्मल, इसका जो भी हार्डनेस है वो हम 100% करेंगे। और अगर अब हम क्लिक करें देखें तो ये कुछ और भी बेकार आ रहा है, क्यों? क्योंकि फोटोशॉप क्या करता है, आस पास की एरिया को रिकॉग्नाइज करता है, उसे एनालाइज करता है कि अच्छी स्किन कहाँ पे है, कहाँ से मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर हम इतना बड़ा एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो फोटोशॉप ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है कि कहाँ से सैंपल को लेना है और कहाँ पर प्लेस करना है, इसलिए हमारी ये फ़ोटो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। इसका मतलब है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, आप बड़ी चीज़ों को भी रिमूव कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। तो हम कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं, और अगर हमें इतनी बड़ी चीज़ को डिलीट करना है या रिमूव करना है फ़ोटो से, तो वेरी सिंपल तरीका है कि आप इतना बड़ा साइज ना लें, इसे आप छोटा करें लगभग इतना, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल मोड और हार्डनेस 100%, ठीक है। अब आप इसे पेंट कीजिए ऐसे, अगर कोई बड़ा एरिया है फ़ोटो में, अगर आप बड़े एरिया को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो पहले उसे ऐसे पेंट कर लीजिए, ठीक है। अब एरिया सिलेक्टेड है, अब मैं माउस की लेफ्ट की को छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि गायब। तो इस तरीके से आप ऐसे काम में ले सकते हैं, ठीक है, ये काफ़ी शानदार था। एंड अगर आप इसे भी रिमूव करना चाहें इस स्ट्रैप को, तो इसे भी आप ऐसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, यू कैन रिमूव एनीथिंग लाइक दैट। स्टार्ट अगेन दिस इमेज, सो फिर से हम इस इमेज पे हैं। मैं क्विकली इसके ब्लेमिशेस हैं उनको रिमूव कर लेता हूँ न्यू लेयर पे आकर, ठीक है। और आप देखेंगे कि पहले हम वर्क कर रहे थे कंटेंट अवेयर पे, जिससे हम ब्लेमिशेस रिमूव कर सकते थे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पिंपल्स होते हैं फेस को क्लीन कर सकते थे, तो कंटेंट अवेयर से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे सामने आता है क्रिएट टेक्चर। इससे क्या होगा, जब आप फोटो में से ब्लेमिशेस रिमूव कर लोगे और फेस को क्लीन कर लोगे तभी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आप इससे स्किन को टेक्चराइज कर सकते हैं, उसे सॉफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लूँ और यहाँ पे ऑल सैंपल्स को चेक रखूँ, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करूँ देखिए, तो स्किन क्या स्मूथ हो रही है। ये तब ज़्यादा स्मूथ लगती है जब इसमें कोई ब्लेमिशेस नहीं होते हैं, तब आप देखेंगे ये अच्छे से वर्क करती है। और आप इसकी ओपासिटी को यहाँ से कम ज़्यादा सेट करके देख सकते हैं कि कैसे काम कर रही है। लेकिन अगर पिंपल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करेगी। जैसे मैं यहाँ पे काम करूँ तो देखिए काफ़ी सारे उसमें रंग दिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। टेक्चरिंग करने के काफ़ी अच्छे तरीके हैं फोटोशॉप में, ये यहाँ पे ऐड है इसलिए हमने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया। और फिर है हमारे सामने प्रॉक्सिमिटी मैच, ये क्या होता है थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक फ़ोटो मेरे पास है, इसे हम ओपन करते हैं, ये वाली फ़ोटो। और यहाँ पे देखें, जैसे कि अगर मैं फिर से स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल पे आता हूँ और यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी को चेक करता हूँ, और अब मैं इस ब्रश साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे जस्ट पेंट करता हूँ, तो ये लगभग सिमिलर है कंटेंट अवेयर की तरह, लेकिन कंटेंट अवेयर की तरह एक्यूरेटली काम नहीं करती है। बस आप इसे यूज करके देख सकते हैं, देखिए
इसने यहाँ से यहाँ पे मैच किया, इट्स नॉट गुड फॉर मी, कॉन्टेंट अवेयर इससे अच्छा काम करता है, आप इसकी ज़रूरत पड़े तो इसे यूज करना, लेकिन फ़िलहाल हम गो विथ कॉन्टेंट अवेयर। और भी काफ़ी चीज़ें बात बतानी है आपको कॉन्टेंट अवेयर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मुझे ये एक अनवांटेड गर्ल लग रही है कि मेरे फ़ोटो में ये नहीं आनी चाहिए थी और मुझे इसे रिमूव करना है, तो मैं इससे ऐसे रिमूव कर सकता हूँ। आप ऐसी बहुत सी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, मान लीजिए इन सब पेड़ों का फोटोग्राफी करनी थी, आपको ह्यूमन नहीं चाहिए, तो ऐसे आप सारे ह्यूमंस को रिमूव कर सकते हो इजीली। अगर आप देखें कि इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है फ़ोटो में, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे बलून है और जो लगभग फ़ोटो का एरिया 45% या 40% तो घेर ही रहा होगा, तो इतने बड़े चीज़ों को कैसे रिमूव करना चाहिए। अगर आप इसका बड़ा साइज कर लें ब्रश का और कहें कि मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि आप ब्रश को बड़ा करके नहीं कर सकते, ब्रश को छोटा करके उस पे ही पेंटिंग करके आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आप कितने भी बड़ी चीज़ को ऐसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं, कैसे भी पेंटिंग कर लीजिए, बस ऐसे पूरा फिल कर लीजिए, जब आपकी पेंटिंग बन जाएगी ऐसे करके, बस आप देखेंगे कोई एरिया नहीं बचा हुआ है, तो बस लेफ्ट की को छोड़ दीजिए और ये अपने आप से रिकॉग्नाइज करेगा और इसे यहाँ से रिमूव करेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बची हुई है, हम अब बड़ा साइज ले सकते हैं इसे फिक्स करने के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम इससे बड़े से काम कर सकते हैं, क्योंकि रिप्लेस करने के लिए एरिया हमारे पास काफ़ी है यहाँ पे। लेट्स, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है और काफ़ी आसानी से हो गया है। लेट्स क्लोज दी फोटोग्राफ और एक फ़ोटोग्राफ और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोटोग्राफ है, आप देखें कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी ऑडी कार है, और अगर हमें इस कार को रिमूव करना है तो ये बैकग्राउंड काफ़ी विची है, आप देखें तो यहाँ पे एक लड़की भी है, यहाँ पे 30 नंबर है और यहाँ पे एक जेट भी रखा हुआ है, तो ये काफ़ी बिजी एरिया है, तो यहाँ से अगर ये रिमूव कर देता है तो काफ़ी अच्छा टूल है, पावरफुल टूल है और मुझे तो काफ़ी पसंद आता है। फोटोशॉप 2020 में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, जो प्रीवियस वर्जन है उनमें शायद इतना अच्छा काम ना करे। हम इसे सिलेक्ट करते हैं यानी इसे पेंट करते हैं इसके ऊपर एरिया को, देखते हैं कि अभी हम इस लड़की को नहीं ले रहे, सिर्फ कार को ले रहे हैं, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को तो कर लें पहले सिलेक्ट। ठीक, मैं ऐसे इस कार को मैंने सिलेक्ट किया और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है आप देखेंगे तो, क्योंकि इसने ना तो प्लेन को लिया ना स्काई को लिया, जो सिमिलर एरिया था उसी को यहाँ पे पेंट किया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, नो प्रॉब्लम, फोटोशॉप काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सही तरीका नहीं था इसे करने के लिए। लेकिन इतना करने के बाद आप इसे मैनुअली फिक्स कर सकते हैं, मैनुअली फिक्स करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से करने जाएँ हीलिंग ब्रश टूल पे, मैं बस सिंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ब्रश साइज बड़ा किया हमने और यहाँ से अगर हम सैंपल लें ओल्ड के साथ और यहाँ पे अगर फिक्स करें इसे, तो आसानी से फिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन और भी कई तरीके हैं, फिलहाल हमने देखा कि हमने आसानी से इतने बड़े ऑब्जेक्ट को रिमूव कर लिया है। लेट्स क्लोज दी फोटोग्राफ और हमारे पास नेक्स्ट फोटोग्राफ है ये वाला। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रोड बना हुआ है और जहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें कुछ पेंटिंग भी हो रही है, यानी कि जो रोड के पेंटिंग होती है ना वो पेंटिंग है, और अगर हमको इस ट्रक को रिमूव करना हो तो ये एक मेजर एडवांटेज है कि लाइट इनकी जो लाइंस हैं वो भी सही आनी चाहिए। देखते हैं फोटोशॉप इन लाइंस को सही रखता है या नहीं रखता है। तो आते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे, साइज को छोटा करते हैं, फ़ोटो को जूम करते हैं सही से देखने के लिए एंड पेंट। और अब देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वर्क किया है फोटोशॉप ने, जो भी आप देखेंगे छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है वो आप इजीली फिक्स कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसे फिक्स करना, क्योंकि काफ़ी टूल हैं फिक्स करने के लिए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टेम टूल काफ़ी अच्छे टूल हैं फिक्स करने के लिए, आप चाहें तो इनसे भी फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे आप इन्हें ऐड कर सकते हैं और ऐसे फिक्स कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं इस बाइकर को यहाँ पर रिमूव करूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, मैं जैसे ऐसे पेंट कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे इसने जो भी हमारी लाइन थी उसे फिक्स कर दिया है और बाइकर को इजीली रिमूव कर दिया है। यहाँ पे अगर इस बाइकर को ही मुझे रिमूव करना है यहाँ पे, तो देखेंगे कि नॉट गुड, मैं फिर से थोड़ा सा ऐसे और ऐसे लेता हूँ, तो देखिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और अगर मैं यहाँ पे इस कार को रिमूव करूँ तो ये कार भी इजीली रिमूव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम जानेंगे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। ये सारे टूल बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, हम एक साथ वीडियो में कवर नहीं कर सकते सभी को क्योंकि हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो एक एक करके हम सारे वीडियो में अलग अलग से इन सभी टूल्स के बारे में जानेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा हीलिंग ब्रश टूल पे, इसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा टूल है। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल भी बजाइए।